हेलो आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल सो पठान कंटिन्यूज टू राइट हिस्ट्री एट द बॉक्स ऑफिस सैटरडे को जिस तरीके के फिगर्स सामने आ रहे हैं एक्सपेक्ट uh, ये किया जा रहा था कि करीबन 45 करोड़ तक अगर मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ नेट फिगर्स 45 करोड़ तक आने के चांसेस थे बट इट सीम्स दैट इट्स गोइंग टू टच फिफ्टी फाइव करोड़ इन इंडिया ऑन अ सैटरडे ना दिस इज दिस इज अनहर्ड ऑफ दिस इज दिस इज अनप्रिसडेंटेड और ये जिस तरीके के ये फिगर्स आ रहे हैं ये हर किसी को ये बैफल कर रहे हैं सरप्राइज कर रहे हैं और पहले ये शुरू में ये कहा जा रहा था कि 225 करोड़ तक पहले पाँच दिन हो सकते हैं इंडिया में फिर उसके बाद फिर हुआ कि शायद बेबी शायद दो करोड़ तक हो सकते हैं जिस तरीके के अभी नंबर्स आ चुके हैं अब तक पहले चार दिन के एंड आई थिंक संडे इज़ गोइंग टू बी मैसे मैसेव मुझे लगता है कि करीब दो करोड़ तक पहले पाँच दिन के कलेक्शंस हो सकते हैं इंडिया में ना दिस इज़ समथिंग दैट इज़ एब्सोलुटली बैफलिंग दिस इज समबली अमेजिंग और ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त ही शॉट इन द आम है फैंस uh, को फिल्म बहुत पसंद आ रही है एंड लोग बार बार uh, जाके उसको देख रहे हैं मेरी भी बात हो रही थी uh, एक एक्टर हैं करण uh, जिनकी फिल्म आ रही है ऑलमोस्ट प्यार डीजे मोहब्बत रिसेंटली बहुत जल्द आने वाली है तो वो मुझे बता रहे थे कि वो चौथी बार देखने के लिए जा रहे हैं आज आई स्पोक टू अनदर एक्ट्रेस निकिता दत्ता तो वो uh, पहले उन्होंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा था वो दूसरा दूसरी बार वो उन्होंने कल फिल्म देखी है फिर से सो so ये अगर जिस तरीके का एक जो क्रेज़ है बज है वो उससे कुछ अंदाज़ा होता है uh, एक थोड़ी सी एक, 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 एक बुरी ख़बर भी है और मुझे लगता है कि देर आई होप के देट बेटर सेंस प्रिवेवस ये ये सामने आया है कि कुछ कुछ सर्टन सिनेमा हॉल्स में स्पेशली अगर महाराष्ट्र की बात करें सिर्फ ये दिज आर सिनेमा हॉल्स नोटिस देर मे बी मोर लेकिन अमरावती एंड एंड धुले एंड एंड बिलासपुर एंड मालेगाव लोगों का एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा हो गया है फिल्म देख देखने के टाइम पर इस्पेशली आखिर में जब जुम्मे जो, जो पठान जब आता है सो so वो इतना ज़्यादा वो उसके अंदर वो एक्साइटेड हो जा रहे हैं कि दैट दर दर इंस्टेंसिस की उन्होंने uh, जो जो सिनेमा हॉल्स हैं प्रॉपर्टी को डैमेज किया है लोगों ने फैंस ने सीट्स को भी कुछ हद तक शहमिर ख से तोड़ा गया है एंड विच इज़ विच इज़ आई थिंक विच इज़ नॉट द आइडिया ऑफ ऑफ सिनेमा व्यूंग एक्सपीरियंस उसमें हुआ ये है कि सिनेमा हॉल्स ने सर्टेन uh, जगहों पे रिस्ट्रिक्ट किया है एंट्री इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल अलाउिंग इन साइड द मूवी हॉल्स बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कंटेन दैम देर नॉट एबल टू रियली मैनेज दैम प्रॉपरली सो मुझे लगता है कि आई थिंक इसके ऊपर शायद काम करने की जरूरत है एंड फैस आई थिंक दे शुड दे शुड डेफिनेटली जस्ट प्रैक्टिस रिस्ट्रिक्ट एंड मे बी अगर फिल्म uh, की टीम है अगर शाहरुख खान साहब दीपिका और बाकी लोग अगर अगर अपील करें फैंस के साथ में कि दैट प्लीज दे शुड बी एक्साइटेड दे हैव रीजंस टू बी एक्साइटेड लेकिन थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें बिकॉज बहुत दिनों के बाद में सिनेमा हॉल ओनर्स के लिए एक आई थिंक अच्छा वक्त आया है तो अगर उनको उसमें फिर डैमेज अगर होंगे सो दैट नॉट अ गुड आइडिया सो आई होप देट बेटर बट हिस्ट्री इज़ बींग रिटन Uh, new records will be tumbling, and uh, this this entire uh, Pathan wave is is uh, unstoppable. Uh, this is Faridun Sharia for Connected from Canada. Stay connected.